हाँ गाइज, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं, समझते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द यूसेज एंड द फंक्शंस ऑफ थ्री प्रोनाउंस, हु, हुम, हुज। थ्री प्रोनाउंस, हु, हुम, हुज। वी नीड टू सी हाउ वी कैन यूज दैम एंड व्हाट वे इज इन व्हाट वे इज इन विच वे इज दे आर यूज। चलिए देखते हैं हु, हुम, हुज ये कैसे यूज करते हैं, आज आप देखेंगे समझेंगे। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आई बी आउट ऑफ द स्क्रीन। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखें, समझते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था हु, हुम, हुज जो है हमारा क्या होता है, देखेंगे आप समझेंगे। हु, हुम, हुज ये तीनों ही आई पी भी होते हैं और आर पी भी होते हैं ना। व्हाट इज आई पी एंड व्हाट इज आर पी, व्हाट इज आई पी एंड व्हाट इज आर पी। आई पी इज व्हाट, आई पी स्टैंड्स फॉर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड आर पी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट गाइज। तो याद रखेंगे आप कि हमारा जो हु, हुम, हुज ये तीनों जो वर्ड्स हमारे लिखे हुए हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। हालांकि टॉपिक प्रोनाउन को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, आई विल कवर द एंटायर टॉपिक इन फुल डिटेल विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड ऑल। लेकिन अभी के लिए हम देख रहे हैं तीन वर्ड जो बहुत कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव गाइज चाहे प्रोनाउंस हो, एडजेक्टिव्स हो या एडवर्ब्स हो, तीन ही टर्म्स होते हैं पूरी लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। नाउ सी गाइज, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है अ वर्ड हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर कोई वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इट विल आस्क अ क्वेश्चन। और इतना तो अब आपको पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहाँ लिखे जाते हैं। हाँ गाइज, कहाँ लिखे जाते हैं, चल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर रिटन राइट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं सारे के सारे सेंटेंस की शुरुआत में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत में लिखे जाएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तीनों ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, कब कौन सा यूज करें, वही मैं आगे आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, मैंने कहा फिर रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी तो हम बात सिर्फ तीन की कर रहे हैं और इनके फंक्शंस की कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, दे एक्चुअली रिलेट टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो हमेशा किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और जिस नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं, देखेंगे आप, जिस नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं गाइस, उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। मतलब क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा और जिसके बाद ही आता है उसी नाउन प्रोनाउन के बारे में ये बात करता है, और उस नाउन प्रोनाउन को टेक्निकली वी कॉल एंटीसीडेंट। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई नो द बॉय हु वॉज प्लेइंग, आई नो द बॉय हु वॉज प्लेइंग। इस सेंटेंस में आई नो द बॉय जो नाउन है इसे रिलेट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, ये बता रहा हूं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु वॉज प्लेइंग जो खेल रहा था। तो लिखा गया वर्ड हु इस सेंटेंस में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेट कैसे कर रहा है द बॉय को। तो द बॉय क्या है गाइस, एंटीसीडेंट, और यहां एंटीसीडेंट एक नाउन बना हुआ है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इज इट क्लियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु क्या है, एंटीसीडेंट द बॉय को रिलेट कर रहा है। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर। सारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं दे आर यूज राइट आफ्टर द नाउन और द प्रोनाउन दे टॉक अबाउट, जिसके बारे में वो बात करते हैं उस नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद लिखे जाते हैं, और जिस नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए चलते हैं आगे। तो फिर दिमाग में दो बातें तो क्लियर हो गई कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस एंड दे आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस पूछते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में यूज होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस किसी नाउन प्रोनाउन को रिलेट करते हैं जिन्हें हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वो ठीक उसके बाद आते हैं। लेकिन फिर ये बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर हाउ टू डिफरेंशिएट दैम, व्हेन टू यूज हु, व्हेन टू यूज हुम, व्हेन टू यूज हुज एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, किन्हें किसे कब यूज करेंगे, यही बात मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम डिटेल में इनके फंक्शन को समझ लें। देखिए जरा बोर्ड पर बहुत ध्यान से समझेंगे आप इस चीज़ को। मैंने लिखा है हु लिखा हुआ है, हु सेंटेंस में चाहे आई पी बने या आर पी बने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बने या रिलेटिव प्रोनाउन बने, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में याद रखना ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। चाहे ये क्वेश्चन पूछे शुरुआत में आए या रिलेटिव प्रोनाउन बने जिसे रिलेट कर रहा है उस नाउन प्रोनाउन के बाद आए, एंटीसीडेंट के बाद आए, तब भी दोनों ही कंडीशंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। एग्जांपल जरा देख लें साथ के साथ। यहां पर पहला एग्जांपल, हु ब्रोक दिस चेयर, इस सेंटेंस में जो वर्ब है कौन सी गाइस, ब्रोक है। अब ब्रोक हमारी वर्ब हो गई, तो ब्रोक द चेयर
द चेयर हमारा, सॉरी दिस चेयर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। एक्शन वर्ब के बाद लिखा गया, नाउन प्रोनाउन वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। गाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, डूअर, अब इन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के पार्ट वन वीडियो में डाल रखा है और उस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल इन चीज़ों को देखने समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पार्ट वन। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब थी वो ब्रोक है और ब्रोक का यहाँ हु जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब के ठीक पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन, उसका सब्जेक्ट होता है। नाउ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज हु, देखा आपने, और यहाँ पर आईपी बना हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, सब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं हु आर यू, इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, आर, सब्जेक्ट क्या है, यू। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ ही लिखा होता गाइस, क्या लिखा होता, ही, तो क्या बनता सेंटेंस, क्या बनता, हु इज ही, तो ऑब्वियस हुआ ना, ऑब्वियसली नाउ इट इज अंडरस्टूड ऑल क्लियर कि यू हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब जो है यू के लिए बदल रही है, अगर ही होता तो ही के लिए बदलकर इज हो जाती, तो ये तो वर्ब नहीं बदल रहा। अच्छा हु आर यू में यू सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब नॉन एक्शन है, तो जब ये नॉन एक्शन है तो उसके पहले लिखा गया ये जो आपने जो लिखा है, ये जो हमारा प्रोनाउन लिखा हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। क्या गाइज, कॉम्प्लीमेंट है, डिड आई मेक इट क्लियर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं, हमने ये हु को समझा सब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, चाहे ये रिलेट करे और चाहे क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही हुम को देखते हैं। हुम के बारे में क्या बताया, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, बट ये इंटरोगेटिव होगा सेंटेंस के बिगनिंग में, रिलेटिव होगा तो एंटीसीडेंट के बाद, एंड यू नीड टू सी कि इट कैन बी यूज ओनली एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखें, हुम हैव यू बीटन, तो हैव बीटन, बीटन हमारी मेन वर्ब हो गई और हैव हमारा एच वी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गई, दोनों का सब्जेक्ट कौन है, इसे एक ही वर्ब मानते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को एक पेयर मानते हैं, वहां देखेंगे आप, मैंने रेड में लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऊपर लिखा वन वर्ब, दिस इज कंसिडर्ड वन वर्ब और इसे एक ही सब्जेक्ट चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के लिए एक अलग सब्जेक्ट देंगे और फिर हम मेन वर्ब के लिए अलग सब्जेक्ट रखते हैं, नो दैट्स नॉट द केस। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक ही पेयर होता है, इसे एक ही सब्जेक्ट चाहिए होता है। सी द एग्जांपल देयर, ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग इज हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे हमारे पास इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, बट इन दोनों को एक ही वर्ब कंसिडर करते हुए एक ही सब्जेक्ट ही दिया गया है। डिड आई मेक इट क्लियर, तो हमारे पास सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो गया ही हो गया। ऐसे ही सेंटेंस में देखेंगे हैव अ बीटन का सब्जेक्ट यू हो गया। अब बचा क्या, बीटन एक ट्रांसिटिव वर्ब है, किसे पीटा, ये है वो, हुम हमारा ऑब्जेक्ट बना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट बना, चाहे इंटरोगेटिव बने या रिलेटिव बने, गाइस इंटरोगेटिव बने या रिलेटिव बने, बट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही बनेगा। Whose को लेकर बहुत कन्फ्यूज है, आई नो, राइट आफ्टर दिस वीडियो मेनी ऑफ यू विल स्टार्ट यू नो सेंडिंग मी मैसेजेस एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि सर whose के बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। डोंट गेट सरप्राइज और शॉक व्हेन यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द वीडियोस, फाइन, बट बी रेडी, बी रिसेप्टिव व्हाइल यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम हियर, बी रिसेप्टिव ओनली देन यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियोस, फाइन गाइस। चलिए, इट्स अ लैंग्वेज, एनीथिंग माइट हैपन, देर इज नथिंग दैट डज नॉट हैपन इन द लैंग्वेज, कुछ भी ऐसा नहीं जो भाषा में नहीं होता, इज जस्ट दैट यू नीड टू बी ओपन टू लर्निंग द थिंग्स। डिड आई मेक इट क्लियर, चलिए अब यहां देखते हैं, समझते हैं। यहां हमने देखा हुज जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। सेंटेंस देखें जरा, हुज इज दिस कार, ये आई पी बने या आर पी बने, आई पी बने आर पी बने, आई पी बने आर पी बने, इसके रोल्स फंक्शन ये, इसका फंक्शन ये, इसका फंक्शन ये, तो ये सिर्फ सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनेगा। देखेंगे आप हुज इज दिस कार, इस सेंटेंस में हमारी ये वर्ब हो गई, दिस कार हमारा सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। कैसे सब्जेक्ट हुआ, समझा देता हूँ। अगर आप दिस कार के प्लेस पर यहाँ पर लिखो दीज कार्स, दोज कार्स, द कार्स, द मोमेंट यू मेक इट अ प्लुरल नाउन यू नीड टू चेंज द वर्ब, सो वर्ब वुड बिकम इन दैट केस आर। आप बोलोगे हुज आर दीज कार्स, हुज आर दोज कार्स, हुज आर द कार्स, तो सब्जेक्ट ये बना, वर्ब कैसी है, नॉन एक्शन, तो नॉन एक्शन के पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन सेंटेंस का क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। नाउ इज दैट क्लियर गाइस, फंक्शन क्लियर हो गया आपको, हु, हुम, हुज, तीनों क्या बन सकते हैं, आईपी और आरपी, बट सी द फंक्शंस, हु कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, हुम कैन बी यूज ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस हुज कैन बी यूज ओनली एंड ओनली एज अ कॉम्प्लीमेंट, इज अ क्लियर। नाउ विल सी द एग्जांपल्स, कब कौन सा यूज होता है। आप जब यहां समझ में आ गया कि सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह, वैसे ही हम यहां देखेंगे। और हाँ गाइस, हुज जो कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनने के साथ साथ ही क्या करता है, पोजेशन भी दिखाता है। हुज का हिंदी में मतलब होता है जब ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन वर्ड होता है हुज, तब इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, और जब ये रिलेट करने लग जाता है तो ठीक एक रिलेटिव मीनिंग देता है, जिसका, जिसकी, जिसके, किसी को रिलेट करने लग जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट बनने के साथ साथ इट विल एक्चुअली शो सम पोजेशन। डिड आई मेक इट क्लियर, चलिए
तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे और एक मिनट में जरा एक बार अटेम्प्ट करेंगे कहाँ क्या आना चाहिए। सीधा क्वेश्चन है या होम ओके है या हु ओके है, ये हु सही है या गलत है, ये हाँ यहाँ ये सही है या नहीं है, और यहाँ ये, इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए लिखा है होम डू यू थिंक कैन विन दिस गेम, इस सेंटेंस में देखेंगे। एट लास्ट यू कैन सी अ साइन ऑफ इंटरोगेशन व्हिच टेल्स यू पीपल द गिवन सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब बाद में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो शुरुआत में लिखा गया ये हमारा एक आईपी है, एक क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन वी नीड टू डिसाइड कि यू नीड अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वॉट वी नीड टू डिसाइड। चलिए डू थिंक, डू हेल्पिंग वर्ब, थिंक मेन वर्ब, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये एक कंसिडर होंगे और उनका एक सब्जेक्ट यू हो गया। डिड आई मेक इट क्लियर? स्टिल वी हैव गॉट अ वर्ब, एक कैन और एक विन, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब वर्ब को अपना क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है गाइज, सब्जेक्ट चाहिए होता है, और होम कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो ऑब्वियस है कि यहां से होम को हटाकर क्या किया जाएगा, हु लिखा जाएगा। इन द फर्स्ट सेंटेंस इट हैज टू बी हु, जब वर्ब एक्स्ट्रा तो सब्जेक्ट चाहिए होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे, हु इज ही कॉलिंग, तो इज हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग क्या हो गई गाइज, मेन वर्ब, और ही हमारा इन दोनों का ही क्या बना, सब्जेक्ट बना। तो जब ये दोनों का ही सब्जेक्ट बना तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, और हाँ दिस इज नॉट अ नॉन एक्शन वर्ब, इज ही कॉलिंग एक्शन कर रहा है, वो बुला रहा है, नॉन एक्शन वर्ब तो नहीं है कि हम इसको कॉम्प्लीमेंट मान के छोड़ दें, जी नहीं, अब आपको यहाँ होम करना पड़ेगा। डिड आई मेक इट क्लियर? होम इज ही कॉलिंग दिस सेंटेंस, होम इज ही कॉलिंग, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, कॉलिंग ट्रांसिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। चलिए आई नो द बॉय हु दे से हैज स्टोलन द बुक्स, इस सेंटेंस को देखते हो समझते हैं, इस सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, बट दिस वॉज सब्जेक्ट एंड दिस वॉज ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं, आई नो द बॉय हु आप सबको पता होगा इस केस में एक क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक चीज़ और देखेंगे, हाँ वी मिस्ड इट एक्चुअली, जब ये तीनों ही रिलेटिव बनते हैं तो रिलेटिव बनने पर इनके ठीक पहले एक एंटीसीडेंट आएगा, वो एक नाउन या प्रोनाउन होगा, एंड दैट नाउन और प्रोनाउन हैज टू बी ओनली एंड ओनली अ ह्यूमन बीइंग। So here what I mean is that the relative pronouns who, whom, whose can relate only and only to a human being. ठीक है, ये सिर्फ एक human being को relate करेंगे, ये चीज़ भी check करेंगे और फिर जो सिखाया वो check करेंगे। चलिए देखते हैं, I know the boy who they say has stolen. अब देखते हैं, no verb का अपना subject I हो गया, ये verb हो गई, ये subject हो गया, they say ये verb हो गई, ये subject हो गया, लेकिन अभी भी has helping verb, स्टोलन मेन वर्ब, इनका अभी भी एक सब्जेक्ट मिसिंग है, वी नीड अ सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट जो हैज स्टोलन को चाहिए वो हु ही बनेगा। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर इन इट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने इन रिलेटिव प्रोनाउंस को, इन प्रोनाउंस को उठाकर डिस्कस करना चाहा, क्योंकि इनसे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बुक में पीछे आंसर लिखा होता है, हुम को हु कर दो, हु को हु कर दो, हुम कर दो, हुज कर दो, वी आर लाइक ऑल क्लूलेस कि आखिर क्यों हुआ, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। शी इज द लेडी हु यू से एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ लॉट, यहाँ भी आप सबको पता होगा, जरा बताएंगे हु कौन सा प्रोनाउन है गाइस, हाँ कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका पहले तुमने क्या देखा, एंटीसीडेंट देखा, एंटीसीडेंट ह्यूमन बींग है, जैसा यहाँ ह्यूमन बींग था, दैट इज ओके, आधा काम तो ओके, 50% इज ओके। अब हमें देखना है कि हु आएगा, हुम आएगा, क्या आना चाहिए, पोजिशन की बात नहीं चल रही, पढ़कर पता चलता है। इज और शी का पेयर अपना हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ आगे बढ़े से और यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डू वी हैव एन एक्स्ट्रा वर्ब इन द सेंटेंस, क्या अभी भी हमारे पास सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ब है, जी नहीं, और हु जो लिखा है वो सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो वी नीडेड अ वर्ब, है ना, वी नीड अ वर्ब, और वो हमारे पास है नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये कॉम्प्लीमेंट है, देखते हुए चलते हैं। शी इज द लेडी इज नॉन एक्शन वर्ब है, उसका ये सब्जेक्ट बन गया, द लेडी इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है आगे चलते हैं। यू से तुम कहते हो, जो तुम कहते हो वो तो ये लिखा हुआ है, एवरीबडी क्या कहते हो, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ लॉट, तो एवरीबडी के लिए वर्ब हो गया रिस्पेक्ट्स, से वर्ब का जो ये बना पूरा का पूरा क्या ऑब्जेक्ट, और एवरीबडी रिस्पेक्ट जो रिस्पेक्ट्स वर्ब है ट्रांसिटिव, देखिए ना ये नॉन एक्शन है ना वो नॉन एक्शन है, एक नॉन एक्शन वर्ब थी उसको लेडी पहले से, द लेडी पहले से कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो यानी जो आपने ये लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा है आपने, सब्जेक्ट ही बन नहीं सकता क्योंकि कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है,
और कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए भी कोई भी नॉन एक्शन वर्ब बाकी नहीं है, एक नॉन एक्शन वर्ब थी उसको अपना कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो अब हम यहाँ हु नहीं कर सकते, इसे होम किया जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, विल मेक इट होम। चलिए, द मैन हुम यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जिससे आप कल मिले वो मेरा दोस्त है, जिससे आप कल मिले वो मेरा दोस्त है। अब आप देखते हैं, समझते हो, चलते हैं। एक मिनट आप गेस करें, आप क्या आना चाहिए, हु हुम हुज क्या आना चाहिए। चलिए, ये बात तो सबको पता होगी कि यहाँ लिखा गया होम इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या गया, इसे एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके पहले मैन लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट ओके सही है, एक ह्यूमन बींग है और नाउन है। अब बात करते हैं, यू और मैट वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब एक और वर्ब हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्या है गाइस, इज। अब हमें ये लगता है कि यह हम क्या कर दें, हु कर दें, क्योंकि हमारे पास वर्ब एक्स्ट्रा हमें लग रहा है इसकी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वो बन जाएगा, ये उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस की शुरुआत में हमने एक नाउन लिखा हुआ है, द मैन इज अ नाउन, ऐसा और सेंटेंस में नहीं हुआ था। ये यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है, इट हैज़ टू बी नाउन, कैसे यूज होता है, हम क्या क्या क्यों यूज करते हैं नाउन को, वी यूज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और एन कॉम्प्लीमेंट और अ कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस में जो लिखा हुआ है वर्ब के बाद नहीं है, इसलिए ना ऑब्जेक्ट हो सकता ना ही कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस, इस नाउन ने सेंटेंस का क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। तो भाई जब इस नाउन ने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना है तो जाहिर सी बात है वो जो वर्ब इज लिखी हुई है ना वो इस मैन के लिए, वो वर्ब जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो इस मैन की वर्ब है, ये सब्जेक्ट बना है। अब जो होम जो आपने लिखा है ना, ये होम इस मेट ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट। डिड आई मेक इट क्लियर? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, होम हमारा जो मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है और आगे जाकर जो वर्ब इज है वो हमारी मैन की वर्ब है। चलिए अब आगे चलते हैं, ही इज द प्लेयर हुज इज अ बिग हाउस, ही इज द प्लेयर हुज इज अ बिग हाउस। इस सेंटेंस में लिखा गया ये फिर से एक आरपी है, हालांकि पोजिशन दिखा रहे हैं, इसके पहले ह्यूमन बींग लिखा है, ह्यूमन बींग एंटीसीडेंट ओके। अच्छा, हुज क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस में क्या करता है, रिलेशन दिखाने का काम करता है। ही इज द बॉय हुज इज अ बिग हाउस इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह ही काम कर रहा है। अभी कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, रिलेट कर रहा है प्लेयर को, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे, अगर मैं लिख देता हूँ हुज फाइव बिग हाउसेस, तो जैसे आप लिखते हो हुज फाइव बिग हाउसेस तो इसकी जगह आर लिखना पड़ता है, आपको कहते हैं हुज आर फाइव बिग हाउसेस, जिसके पांच बड़े बड़े घर हैं, राइट। तो इस केस में सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये बना, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है और रिलेट किसे कर रहा है, प्लेयर को कर रहा है। ये सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, हुज के केस में वर्ब नहीं चेक की जाती है क्योंकि हुज बाय डिफॉल्ट ही सेंटेंस में ओके हो जाता है। बस ये चेक कर लेना, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, हमारा एक एंटीसीडेंट जो है वो आना चाहिए। हिज मदर आस्क हिम हुम हैज हुम हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज, इस सेंटेंस को देखते हैं, हिज मदर आस्क हिम हुम हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज, ठीक है। तो अब देखिए, अब आस्क हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आगे जाकर हमारी एक वर्ब क्या है, वॉज है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ जो वॉज है सिर्फ एक नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। आपने ये जो लिखा है हुम वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जबकि वहाँ जो वर्ब लिखी है उसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, ये तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ जो होम लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसे हम कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ होम को हु किया जाएगा, राइट गाइज। एक तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया जो बोर्ड पर आज, ये बहुत यूजफुल था आपके लिए, और दूसरा मैं आपको बता दूँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिस केस में एंटीसीडेंट मिसमैच्ड होता है, वी राइट हु हुम हुज बट वी डू नॉट राइट अ ह्यूमन बींग बिफोर दीज रिलेटिव प्रोनाउंस, दैट वुड बी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस वुड बी ऑल, सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच वेरी मच वॉचिंग मी और वॉचिंग दिस वीडियो, माई नेम इज जे एस यादव, थैंक यू।